हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने जो मैंने कल आपको पजल दी थी होमवर्क में करने के लिए, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे किसी भी पजल को, चाहे लंबी हो या छोटी हो, चाहे कैसी भी कोई पजल हो, उसको हम किस तरीके से बिना कोई दिक्कत के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप ये तरीका अपनाओगे तो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि किस प्रकार से मैं कोई भी पजल को मैं करूंगी ना, सेम मेथड अप्लाई करूंगी। तो आज हम सीखेंगे वो अनोखा तरीका कि किस प्रकार से हम पजल की शुरुआत करें, कैसे हम शुरुआत करें कि पजल हमारे चुटकियों में बन जाए। अभी हो सकता है आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लग रहे हो, पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये तरीका 15 दिन भी अपना लेते हो, ये अगर ये तरीका 15 दिन भी अपना लोगे तो पजल जो है आपकी चुटकियों में सॉल्व होगी, चुटकियों में, ये मेरी गारंटी है। कोई भी पजल, कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट आपके चुटकियों में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप ये तरीका अपना लेते हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सभी ध्यान से देखिएगा और सभी लोग, अभी अगर आप लोग नए हैं शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो के माध्यम से। SBI क्लर्क को टारगेट करते हुए क्लासेस करी जा रही है, पर आप किसी बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, इस वीडियो को, ये बेसिक वीडियोस है, ये आपको देखना ही चाहिए, तभी आप लोग बैंकिंग के एग्जाम की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे, जो मैंने कल आपको पजल दी थी वहीं से ही शुरुआत करूंगी मैं आपकी। तो दूसरी चीज ये है, आप सभी लोग जो टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे अवेलेबल होगा, उस पर क्लिक करके उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको टाइम टू टाइम क्लास का अपडेट मिलता रहेगा जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ये ध्यान दीजिएगा, बैंक की क्लास का सबसे मेन मोटिव क्या है, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। बैंक की क्लास पिछले क्लास से कनेक्टेड होती है, तो आप सभी से निवेदन है अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है उसको जरूर देखिए, उसके बाद ये क्लास देखिए, इस बात में बोला चाहूंगी आपको, क्योंकि हर क्लास आपस में कनेक्टेड है। कल मैंने इसका बेसिक समझाया था, उसका कंटिन्यू पार्ट आज करवाऊंगी, फिर कल वापस से कल जो कराऊंगी वो आज का कंटिन्यू होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कल वाले क्वेश्चन से जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एक बार मैं स्क्रीन पर लगाती हूँ वो क्वेश्चन को, देखिएगा, ये सवाल था आपका, पजल थी, ये मैंने बड़ी पजल ली है, ये मैंने आपकी बड़ी पजल जरूर ली है आपको ये दिखाने के लिए, चाहे पजल बड़ी हो चाहे पजल छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तरीका हमेशा से ही सेम रहेगा। ठीक है, तरीका हमारा सेम रहेगा। आई थिंक आप सभी लोगों ने ये पजल देख ली होगी कि पजल किस प्रकार से कल मैंने आपको होमवर्क में दी थी। अब बनाना की शुरुआत करते हैं, बनाना शुरुआत करते हैं, एक काम करती हूँ हिंदी में रखती हूँ, इंग्लिश में हटा देती हूँ, इंग्लिश में हटा देती हूँ आपका। ठीक है, अब देखिए पजल आपके सामने है, ये लीजिए, शुरुआत करते हैं। पजल को बनाने का सबसे पहला जो बेस है वो क्या है, आपका बफर। किसी भी पजल को बनाने का सबसे बड़ा बेस क्या है, बफर बनाना। इसके बिना आपके कोई भी पजल संभव नहीं है, बात ध्यान दीजिएगा, बफर बनाना सबसे जरूरी है। अब देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे एक साथ, सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, केवल शुरुआत देखनी है कि ये कौन सी टाइप की पजल है, हमने देख के पहली लाइन पता चल जाएगा आपको ये आपकी सर्कुलर पजल है, पहली लाइन को पढ़ते ही पता चल गया कि आपकी सर्कुलर पजल है, और इसमें ये पता चल गया कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो कलर है और दूसरा आपका लोग है, पीपल है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो कलर है एक पीपल है, हमें बताना है कौन से व्यक्ति को कौन सा रंग पसंद है, ये बातें हम शुरुआत की अगर दो लाइन पढ़ेंगे पर समझ में आ जाएगा। आपको पजल में केवल यही देखना है, इन्हीं दो बातों से मैं बताऊंगी आगे चल के आपको कैसे हम पता लगाएंगे कौन सी पजल आसान होती है कौन सी टफ। जब भी आप किसी पजल को देखो पहले ये बातें लिखो, यहाँ पे ये पजल कैसी है, पूरी पजल नहीं पढ़नी है, शुरुआत की लाइन पढ़ के पता लगाएंगे ये पजल सर्कुलर है, इसमें दो चीजें दी गई हैं, एक तो कलर और एक व्यक्ति। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं, सिंगल सिंगल लाइन पढ़ेंगे, पूरी पजल नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी अपना, हमारा समय बहुत कीमती है, पजल को पढ़ते हैं। पहली लाइन क्या दे रखी है, उमा इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मनोहर, उमा मनोहर के बाएं से दूसरे स्थान पे है, उमा कहाँ है, मनोहर के बाएं से दूसरे स्थान पे है, मनोहर के,
आप ध्यान दीजिएगा, मनोहर के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो मनोहर के बाएं पे है तो हमने एरो बना दिया कि ये इसके बाएं पे है, दूसरे पे है, मतलब एक छोड़ के एक पे है, पहला दूसरा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया पहला। अगली लाइन दे रखी है, मनोहर को नीला रंग पसंद है, मनोहर को क्या पसंद है, मनोहर को नीला ब्लू रंग पसंद है। ध्यान दीजिएगा मैं किस प्रकार से लिख रही हूं, मनोहर को नीला रंग पसंद है, उमा को पीला रंग पसंद नहीं है, उमा को क्या पसंद नहीं है, पीला रंग पसंद नहीं है, उमा को येलो रंग पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है, मनोहर क्रमशः लाल तथा बैगनी रंग के पसंद करने वाले का निकटतम पड़ोसी है, मनोहर क्या है, नेबर है किसका, रेड और पर्पल वालों का, मनोहर लिखा मैंने, मनोहर लिखा, इसके पड़ोसी कौन होंगे, या तो रेड या पर्पल, या तो ऐसे लिखा होगा या फिर पर्पल इधर होगा और रेड इधर होगा, रेड इधर होगा, यही दो लाइनें बनती है, मनोहर के बगल में रेड वाला होगा या पर्पल होगा, दोनों में से कोई भी कहीं बैठ सकता है, ठीक है, फिक्स नहीं है कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, तो हमने वेरिएबल रखा। अगली लाइन क्या है, उमा तथा हरे रंग के व्यक्ति के बीच में तीन लोग बैठे हैं, उमा के बीच में और हरे रंग वाले में, एक दो तीन, कितने लोग हैं, तीन लोग बैठे हैं, उमा और ग्रीन वाले के बीच में तीन रंग बैठे हैं। अब ध्यान देना, मैंने कोई भी एरो नहीं लगाया क्योंकि मुझे नहीं पता कौन किसके राइट में या कौन किसके लेफ्ट में, हो सकता है ऐसे बैठे हो, ग्रीन वाला इधर बैठा हो, एक दो तीन उमा यहां बैठी हो सकता है, इसको दो बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने कोई भी एरो नहीं लगाया, ये देखने के लिए कि उमा और ग्रीन के बीच में केवल तीन व्यक्ति है, राइट में है लेफ्ट में ये हमें नहीं पता है, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बीच बैठे राजनाथ और अनंत निकटतम पड़ोसी है, ऊपर का इरेज कर देती हूँ, ऊपर का इरेज कर देती हूँ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, राजनाथ और अनंत, क्या है, राजनाथ और अनंत निकटतम पड़ोसी है, गोला बना दिया, गोला बनाया क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, अगल बगल बैठेंगे, इसलिए मैंने गोला बना दिया, क्योंकि साथ में ही बैठने चाहिए भाई ये लोग। फिर क्या लिखा हुआ है, सुरेश काला पीला तथा बैंगनी रंग पसंद नहीं करता, सुरेश को कौन कौन से रंग पसंद नहीं है, सुरेश को ना तो काला पसंद है, ना ही बैंगनी पसंद है वॉयलेट, और ना ही एक और रंग है, काला, सुरेश को पीला, काला और बैंगनी, येलो भी पसंद नहीं है सुरेश को, ठीक है। फिर क्या दे रखी है, अगली लाइन हमारी, अगली लाइन है, अरुण और सुषमा का निकटतम पड़ोसी है, अरुण और सुषमा निकटतम पड़ोसी हैं, ये लीजिए बना दे, निकटतम पड़ोसी हैं, ठीक है। अगली लाइन क्या दे रखी थी हमारी, अनंत क्रमशः लाल रंग तथा काले रंग के पसंद करने वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है, अनंत क्या है, ध्यान दीजिएगा, अनंत क्या है, अनंत जो है आपका, अनंत क्या है, लाल रंग और, अनंत लाल और काले रंग के पसंद वाले का है, लाल और काला, या फिर काला या फिर लाल, हमें नहीं पता कौन कहां बैठा है, केवल इतना पता है हम लोगों को। आगे क्या दे रखा देखते हैं, आगे की लाइन है आपकी, सुरेश अरुण के ठीक सामने है, सुरेश कहां है, सुरेश और अरुण ठीक आमने सामने बैठे हैं, सुरेश और अरुण ठीक आमने सामने बैठे हुए हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, जो कि नारंगी रंग पसंद करता है, जो कि किसके लिए यूज हुआ, अरुण के लिए, अरुण कौन सा रंग पसंद है, नारंगी ऑरेंज, ये लीजिए, ये बन गई आपकी पूरी बफर। इसी प्रकार से आपको बनाना है, ये था पहला लाइन, ये थी दूसरी लाइन, ये हो गई तीसरी लाइन, ये हो गई चौथी लाइन, ये हो गई पांचवी, ये हो गई छठी, ये हो गई सातवीं और ये हो गई आठवीं। हमने टोटल 8 स्टेटमेंट्स बना लिए इस बफर से। अब इस क्वेश्चन की हमें कोई जरूरत नहीं है, अब इस क्वेश्चन की हमें कोई जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन से ही पीछा छुड़ाने के लिए कि बार बार स्क्रीन पे कॉपी में ना देखना पड़े, इसलिए हमने शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ के ये बफर बना दिया। सबसे आसान तरीका है किसी भी सवाल को करने को, आपको कुछ भी करना पड़े ये बफर बनाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा, हर एक चीज को बारीकी देखा होगा कि अगर लेफ्ट में है तो मैं लेफ्ट का एरो बनाया कि लेफ्ट में है, अगर कोई पता नहीं है तो मैंने कुछ नहीं बनाया, कौन कहां बैठेगा सिर्फ लिख दिया है, अगर कोई निकटतम पड़ोसी है तो मैंने गोला बना दिया है कि दोनों अगल बगल ही बैठेंगे, ये सिंबल से आप खुद बता सकते हैं।
आपका मन है गोला नहीं बनाने का, आप बॉक्स बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल इसलिए बनाए हैं जिससे आपके दिमाग में रहे कि हाँ भाई ये तो अगल बगल बैठेंगे, ये दूर दूर बैठेंगे, इनके बीच में 3 का गैप है, ये लेफ्ट में बैठेगा, जिससे क्या को बार बार सवाल ना देखना पड़े। अब सवाल की शुरुआत करते हैं, अब बिठाना शुरुआत करते हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। ये लीजिए, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा दो वो बनाएंगे हम लोग, क्या आपको बताया था मैंने पहले भी, हमेशा दो पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे हमेशा। पजल में ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी पजल ले लीजिए, कभी भी आपका एक पॉसिबिलिटी में आंसर आएगा ही नहीं, हमेशा आपको दो पॉसिबिलिटी चली चाहिए होंगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसलिए शुरुआत से ही लेके चले दो पॉसिबिलिटी। अब देखो मेन दिक्कत कहां से आती है, ये भी बना लिए हमने, ये भी बना लिए, सबका मुंह अंदर की ओर है, अंदर की तरफ मुंह कर लिया सबका। स्टेप नंबर 2, अंदर की तरफ मुंह है, ये लोग सबका मुंह अंदर कर लिया। कल मैंने आपको सिखाया था कि राइट और लेफ्ट क्या होता है, सबको याद होगा शायद, ये क्या है, राइट है, इधर डॉट 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 इधर डॉट, राइट हो गया। इसमें भी राइट, इधर डॉट इधर डॉट इधर डॉट इधर डॉट इधर डॉट इधर इधर इधर, ये क्या हो गया, सबका राइट हो गया। सही बात समझ में आ गई, ये इसका राइट, ये इसका राइट, सबको समझ में आ गया। अब बैठाना शुरू करते हैं, शुरुआत कहां से करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास आती है शुरुआत कहां से करें। देखो शुरुआत करने के 2 तरीके हैं, हमें उस व्यक्ति से हमेशा शुरुआत करनी चाहिए जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें दे रखी होती है, हमें सबसे ज्यादा बातें दे रखी होती है, या फिर हम उस लाइन से शुरुआत करें जिसमें किसी का लेफ्ट और राइट दे रखा हो। 2 ही रीजन होते हैं, या तो किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बातें दे रखी हो, या फिर उस व्यक्ति का राइट लेफ्ट दे रखा हो। देखो यहाँ देखोगे उमा और मनोहर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, उमा और मनोहर जो कि लेफ्ट में उमा है, उमा को नील येलो पसंद नहीं है, इसको ब्लू पसंद है, मनोहर के अगल बगल कौन बैठा है, उमा के आसपास कौन है, मतलब उमा मनोहर के बारे में काफी बातें। शुरुआत हम यहीं से करेंगे, मनोहर को अगर मैं यहां बिठाऊं, ठीक है, उमा कहां बैठेगी, मनोहर के लेफ्ट में एक छोड़ के उमा है, मनोहर का लेफ्ट ये हो गया, इधर उमा बैठ गई, एक छोड़ के इधर, सेम इसे बनाएंगे। अगर इधर, ये बात ध्यान रखना, मनोहर को यहाँ पे इधर बिठाया है तो इधर भी हम इधर ही बिठाएंगे, मनोहर इधर है तो उमा इधर बैठ गई। अगली लाइन है, मनोहर को नीला रंग पसंद है, लिख दिया यहाँ ब्लू पसंद है, ब्लू यहाँ इसको ब्लू पसंद है, ठीक है। अगली लाइन क्या है, मनोहर के आस पास कौन बैठा है, रेड और पर्पल, मान लेते हैं कि रेड इधर है पर्पल इधर है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी मान लेते हैं कि पर्पल मान लो ऊपर हो और रेड नीचे हो सकता है, ठीक है, ये वाली लाइन की खत्मा हो गया, ये खत्म क्रॉस कर दो, ये खत्म क्रॉस कर दो। उमा और ग्रीन के बीच में 3 व्यक्ति हैं, अब देखो उमा येरी 1 2 3, ग्रीन यहां बैठेगा 1 2 3, ग्रीन यहां बैठेगा, मतलब कहीं से भी काउंट कर लो ग्रीन को इधर ही बैठना है, ग्रीन को इधर ही बैठना है, चाहे कहीं से भी काउंट कर लो। ये लाइन का भी खात्मा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब किसको बिठाएं, ध्यान दीजिए अब किसको बिठाएं, इसको बिठाएं, इसको बिठाएं, इसको बिठाएं, इसको बिठाएं, किसको बिठाएंगे। अब देखो राजनाथ और अनंत अगल बगल हैं, अरुण और सुषमा अलग अलग अगल बगल है। देखो इसको लेके चलते हैं, राजनाथ और अनंत को, देखो हो सकता है इतना यहां बैठे, हो सकता है यहां बैठे, हो सकता है यहां बैठे, हो सकता है यहां बैठे, हमें नहीं पता, यहां भी बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, 2-3 पॉसिबिलिटी। सेम इसमें यहां बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम शुरुआत यहां पे तो करेंगे नहीं, ना ही यहां पे करेंगे, मतलब ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब बची बात ये, अरुण और सुषमा एक दूसरे के विपरीत बैठेंगे। अब देखो हमें ऐसी जगह देखनी है जिनके अपोजिट वाले खाली हों। देखो अगर अरुण को इधर बैठाती हूँ तो सुषमा इधर नहीं बैठ पाएगी क्योंकि इधर उमा बैठी है, अगर अरुण को इधर बैठाऊंगी सुषमा नहीं बैठ पाएगी क्योंकि सुषमा यहाँ बैठ नहीं सकती, ठीक है, मतलब ये जगह नहीं बैठेंगे इधर, देखो ये जगह बुक है, इधर नहीं बैठ सकता, इधर नहीं बैठ सकता। अब जगह कौन सी बची, 1 2, ये और ये बची, या तो ये और ये बैठेंगे या फिर ये दोनों बैठेंगे। अब देखिए अगर मैं सुषमा को इधर बैठाऊं तो अरुण बैठने का क्यों, क्योंकि अरुण को ऑरेंज रंग पसंद है, इधर बैठेगा नहीं, तो मान लेते हैं अरुण को इधर बैठाया सुषमा इधर बैठेगी, ठीक है, अरुण को इधर बैठाया सुरेश, सॉरी अरुण को मैं इधर बैठाऊंगी सुरेश इधर बैठेगा, लेकिन सुरेश के बारे में दे रखा है सुरेश को वॉयलेट है पर्पल है, सॉरी पर्पल रंग पसंद नहीं है, वॉयलेट नहीं है पर्पल है, सॉरी पर्पल है शायद ये कलर, येलो ऑरेंज, हाँ
पर्पल, सॉरी वॉयलेट नहीं है, पर्पल कलर है, ठीक है, पर्पल है। सुरेश को पर्पल पसंद नहीं, तो सुरेश इधर बैठेगा नहीं। अरुण को उधर बिठाती हूँ, अगर मैं अरुण इधर बैठता है, उसको ऑरेंज रंग पसंद है, तो सुरेश इधर बैठ सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन सेम ऐसे ही, अगर मैं अरुण को इधर बिठाऊंगी, सुषमा इधर नहीं बैठ, सुरेश इधर नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि उसको उसको पर्पल रंग पसंद नहीं है, तो अरुण इधर बैठेगा, जिसको ऑरेंज रंग पसंद है, ठीक है, और ये सुरेश इधर बैठेगा, जिसको ये लाल रंग पसंद आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं, ये लाइन भी खत्म हो गई। अब बात आई अनंत और राजेश, अनंत और इसकी और अरुण और सुषमा की, ठीक है, ये बात आई। अब देखते हैं कौन बैठ सकता है। अरुण, अरुण कहीं है? नहीं है। अनुन, अरुण, सुषमा, राजनाथ और अनंत बिठाओ, कैसे बिठाओगे सोचिए। अब देखो जगह कौन कौन सी है, देखो एक बात, देखो लिंक मिला, अरुण ऑलरेडी बैठा हुआ है, अरुण बैठा हुआ है, सुषमा को बैठा सकते हैं, सुषमा इधर बैठ जाएगी, सुषमा, सुषमा इधर बैठ जाएगी, अरुण बैठा हुआ है, सुषमा इधर बैठा, सुषमा को इधर बैठाई थी, सुषमा इधर बैठ गई, दिक्कत खत्म हो गई, सुषमा बैठ गई। अब बच्चे ये राजनाथ और अनंत कहां बैठेंगे, दो जगह खाली, ये रहा राजनाथ और अनंत, राजनाथ और अनंत, जो दो जगह खाली है इन दोनों की होगी। यहां कोई खाली है कोई जगह? ये खाली नहीं है, ये वाला खाली है, ये दोनों खाली हैं, तो मतलब राजनाथ और अनंत में से यहां कोई बैठेगा, राजनाथ और अनंत, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो बात कहां पे आई, अब देखिएगा बात कहां पे आई है। अनंत, ये रहा अनंत, अनंत के अगल बगल कौन है? रेड और ब्लैक। अनंत के अगल बगल कौन है? रेड और ब्लैक। देखो अनंत अगर इधर बैठेगा, उसके अगल बगल कौन है? एक जगह रेड है, एक जगह ब्लैक होना चाहिए। देखो तो अनंत कहां बैठ सकता है? इधर, अनंत इधर बैठेगा, क्योंकि एक जगह रेड है, इधर ब्लैक हो जाएगा, राजनाथ इधर बैठ जाएगा, ठीक है, राजनाथ इधर बैठ गया। अब देखिएगा यहां, देखते हैं कौन बैठेगा। अनंत के अगल बगल रेड और, अनंत के अगल बगल रेड और ब्लैक होना चाहिए। अनंत को अगर इधर बिठाएंगे तो भी रेड और ब्लैक नहीं है, अनंत को इधर बिठाएंगे तो भी रेड और ब्लैक नहीं है। देखो दोनों कंडीशन में, अनंत चाहे इधर बैठे चाहे इधर बैठे, ना तो इधर रेड ब्लैक है ना ही इधर रेड ब्लैक है, मतलब ये कंडीशन गलत हो गई। देखो लास्ट में गलत हुई, लास्ट में जाके तो मतलब क्या हुआ, अनंत इधर बैठेगा, राजनाथ इधर जिसको काला रंग पसंद हो जाएगा, सुरेश इधर हो गया, ये इधर फिक्स हो गया, ये इधर फिक्स हो गया। अब बच्चे ये तीन लोग, बच्चे ये तीन लोग, ठीक ना, सुषमा, उमा और पर्पल, आदमी एक ही है, पर्पल, पर्पल में कौन बैठेगा, बच्चा कौन, अनंत हो गया, उमा, स्मृति, स्मृति इधर बैठ जाएगी, स्मृति तो इधर हो गई, ठीक है, उमा और सुषमा। अब देखो उमा को क्या पसंद नहीं, येल्लो पसंद नहीं, उमा को येल्लो इधर आ जाएगा, येल्लो सुषमा को पसंद होगा, ठीक है। बचा क्या आपका, व्हाइट बचा, आई थिंक, क्या बचा आपका, व्हाइट बचा, व्हाइट इधर आ जाएगा, ये लीजिए, खेल खत्म, खेल खत्म। और ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्या है, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने अभी आपको बोला, हो सकता है अभी आपको टाइम लगे, हो सकता है ये सबसे टफ पजल है, सबसे टफ पजल मतलब आपके प्री लेवल के अकॉर्डिंग टफ पजल थी ये, जो आपने सॉल्व करी 15 मिनट के अंदर। लेकिन देखिएगा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कि आपको मतलब मेन चीज क्या ध्यान रखनी है। आपको ध्यान नहीं रखना है कि पहले मैंने क्या स्टेप लिया, फिर मैंने क्या लिया, कैसे मैं लिंक बिठा रही हूँ। मकसद मेरा समझाने का यही था कि किस प्रकार से मैं लिंक बिठा रही हूँ, वो आपको समझ में आए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कम से कम चार बार वीडियो को देखना, कम से कम चार बार, और इसको प्रैक्टिस करना बार 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 बार, तब जाके आप कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो क्लास को यहीं पे ऑफ करेंगे। आई थिंक आपको ये पजल समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमने ये पजल सॉल्व करी है। अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो आप अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिएगा सभी लोग। इस प्रकार की बहुत सारी पजल, बहुत सारी DI में आपको करवाऊंगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट पजल में दिक्कत की कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना करवा दूंगी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, रेगुलर क्लास देखा करें, कोई भी क्लास को मिस ना करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसको देखिए, फिर आप इसको देखिएगा, आपको समझ में और अच्छे से आएगा।
कंटिन्यूस वे में देखोगे समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। आपको लग रहा हो कि मैं अपने फायदे की बात करूं, नहीं, ये आपका फायदा है। अगर आप कंटिन्यूस वे में क्लासेस को देखेंगे तो आपको फायदा होगा। समय ज्यादा लेती नहीं हूँ मैं आपको, मात्र 15 से 20 मिनट लेती हूँ। 20 मिनट ही ज्यादा समय होता नहीं आपको एक क्लास लेने के लिए। आई थिंक आप इतना समय अपने करियर के लिए दे सकते हैं, मुझे भी, ठीक है। तो आप सभी लोग शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल वापस शाम को 7 बजे यहीं पे एक नई पजल के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट और हैव अ गुड डे, ठीक है, बाय बाय, वापस मिलेंगे। और हाँ, एक और चीज है, टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको क्लासेस का अपडेट, जो भी अपडेट होता है वो मिलता रहेगा, टाइम टेबल के बारे में मिलेगा, पीडीएफ जो होती है या क्वेश्चन जो होते हैं वो सब कुछ आपको वहीं पे मिला करेंगे। तो आप सभी, अगर आप जुड़े नहीं है, तुरंत जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।